एक पिता की दो बेटी थी, एक बेटी का ब्याह हुआ एक किसान के घर में, एक बेटी का ब्याह हुआ कुम्हार के घर में। पिता अपनी दोनों बेटियों की सुध लेने गया तो बड़ी बेटी के पास गया तो किसान के घर में थी। पिता ने कहा बेटी तुम ठीक हो? बोले हाँ पिताजी बस सब ठीक हैं, बस फसल बढ़िया हो जाएगी, थोड़ी बरसात हो जाए, आप प्रार्थना करो इंद्र देवता बरस जाएं, खूब बारिश हो जमाजम, हमारी फसल बढ़िया हो जाए, धान अच्छा हो जाएगा। बोले हाँ बेटा मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान खूब वर्षा करो, मेरी बेटी की खेती बाड़ी खूब बढ़िया चले। छोटी बेटी के पास गए, वो कुम्हार के घर में का ब्याह हुआ तो वहां जाकर के थोड़ी देर बैठ के बोला बेटी तुम ठीक हो? बोले हाँ पिताजी बस ठीक हूँ, अभी अभी 500 घड़े तैयार हुए हैं, बस भगवान से प्रार्थना वर्षा नहीं हो जाए, खूब ठीक दोपहरी धूप पड़े ताकि हमारे मटके पक जाएं, अच्छी बिकाई हो तो घर चले। पिताजी आप प्रार्थना करना, है भगवान वर्षा ना हो तो मेरी छोटी बेटी का घर बढ़िया चलेगा। पिता क्या करे, यदि वर्षा की कामना नहीं करे तो बड़ी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है और वर्षा की कामना करे तो छोटी बेटी का। विपरीत स्थिति किसी का यदि अनहित कर रही है तो किसी हित के लिए भी हुई है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां पर हम टूट जाते हैं, जहां पर लगता है कि अब संभलना मुश्किल है हमारा, लेकिन जब हम संभल करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्ष बाद हमको पता चलता है यदि वो स्थिति मेरे जीवन में नहीं आई होती तो आज जो मैं हूं वो बन नहीं पाता।